पिछले 4 सालों से इंतजार के बाद आखिरकार महाराष्ट्र पुलिस भर्ती का ऐलान हुआ, जिसको लेकर पिछले 4 सालों से पुलिस बनने के सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करके आखिर जब सपने पूरे करने का मौका आया तो फॉर्म भरने में हो रही दिक्कतें, जी हाँ, दिक्कतों को लेकर महिला वर्ग चिंतित नजर आ रही है। बता दें कि ऑनलाइन प्रक्रिया की वजह से सर्वर डाउन लगातार चल रहा है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर होने की वजह से अब तक अकोला की लगभग 50 से 60% महिला वर्ग फॉर्म नहीं भर पाई है, जिसको लेकर फॉर्म भरने की डेट आगे बढ़ाने की मांग आज वसंत देसाई स्टेडियम पर पुलिस भर्ती प्रशिक्षण शिविर की युवतियों ने की है। वहीं पुरुष गट को 4 फॉर्म भरने की छूट दी गई है, जिसको लेकर भी युवतियों में साफ आक्रोश नजर आ रहा है। उनका कहना है कि जब देश में महिलाओं को जो है समान हक देने की बात की जाती है तो पुलिस भर्ती प्रक्रिया में भेदभाव क्यों। युवतियों ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि उनके फॉर्म नहीं भरे जाते और उनका भविष्य बर्बाद होता है तो उनके सामने आत्महत्या से बढ़कर कोई विकल्प नहीं होगा। इस वक्त हम मौजूद है अकोला के वसंत देसाई स्टेडियम पर, जहाँ पर जो प्रशिक्षण पुलिस भर्ती की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर यहाँ पर प्रशिक्षण पिछले 4 सालों से शुरू है और आज जब इनको पुलिस भर्ती के लिए तैयारी हो चुकी है और फॉर्म भरने का समय आया तो इनकी काफी समस्याएं, काफी दिक्कतें हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या समस्याएं इनको आ रही है, ये बताइए। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभांगी बगड़ेकर है। क्या क्या समस्या आपके साथ हो रही है फॉर्म को लेकर? सर वो 9 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक तो फॉर्म की डेट थी सबमिट करने की, तो 15 के बाद में जो फॉर्म भरने वाले दूरवर्ती थे जो खेड़े गाँव से बिलोंग करते हैं तो फॉर्म नहीं भर पा रहे, क्योंकि वो रात को सर्वर मतलब दिन को सर्वर डाउन होता है और रात को कैफे में जा नहीं सकते, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म को लेकर। और हमारे बैच है यहाँ पर मिनिमम 80 गर्ल्स है, उसमें से 35 के ही फॉर्म भरे गए और बाकी के जो लड़कियां हैं उनके फॉर्म सबमिट नहीं हो रहे। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि सर्वर डाउन हो रहा है, तो हम मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि फॉर्म की डेट आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि फॉर्म ही सबमिट नहीं हो पा रहे, क्योंकि फॉर्म सबमिट मतलब पेमेंट ही नहीं हो पा रहा तो फॉर्म कैसे कर। तो ये इनकी समस्या है फॉर्म को लेकर, जहाँ सर्वर डाउन हो रहा है, सर्वर डाउन की वजह से काफी समस्या का सामना यहाँ करना पड़ रहा है और इनकी साफ तौर पर मांग है के मुख्यमंत्री इस मामले में दखल ले और इनकी समस्याओं को समझे। और आइए जानते हैं इसी के आगे क्या और आपकी समस्या है इसको लेकर, जहां फॉर्म 4 फॉर्म का लेकर क्या समस्या आपकी है। एक्चुअली सर लड़के लोग 4 फॉर्म भर पा रहे हैं और लड़कियां सिर्फ 1 ही फॉर्म भर पा रही है। मुख्यमंत्री और ये जब चुनाव आते हैं तब ये कहते हैं हम समान आरक्षण दे रहे हैं, महिला है और पुरुष सब एक समान है, ऐसी मतलब ऐसा भेदभाव हमारे साथ क्यों हो पा रहा है यहाँ पे? ये था इनके पास में आंदोलन के लिए ये कहा है और साफ तौर पे इस मामले में सरकार को दखल लेने की बहुत ज्यादा गंभीरता से जरूरत है, वरना इनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो सकता है। इस वक्त हम मौजूद है अकोला के वसंत देसाई स्टेडियम पर, जहां पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ आपको अकोला से हमारे संवाददाता शाहिद इकबाल जुड़ चुके हैं। शाहिद, हमने जैसे देखा आपको, आपकी युवतियों से बात की, खबर आ रही है कि एक तो 4 साल बाद जो है पुलिस में भर्ती शुरू हुई है और ऐसे में अभी भी ऑनलाइन फॉर्म भरने में लेट लतीफी देखी जा रही है और ऐसे में युवतियों में जो है आक्रोश देखा जा रहा है, आत्महत्या तक की बात युवतियां कर रही है, क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? जी, मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 4 साल से ये पुलिस भर्ती प्रक्रिया का लोग इंतजार कर रहे थे और जो बच्चियां युवतियां हैं वो हो या फिर पुरुष हो, ये सब युवक वगैरह सभी काफी मेहनतें कर रहे थे, अपने सपने पुरो के रखे थे, सपने देख के रखे थे और वो सपनों को साकार करने के लिए अब जब उस समय आया है, पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो इस समय जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने के समय में ऑनलाइन प्रक्रिया होने की वजह से सर्वर डाउन रह रहा है, जिसकी वजह से अभी लगभग 30 से 40% पुरुष और महिलाओं के ही फॉर्म अभी तक सबमिट हो पाए हैं अकोला जिले से। आपको मैं बता दूं कि अकोला जिले की लगभग 1500 से 2000 के बीच युवतियां इस पुलिस भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयार है और वो उन्होंने रात दिन मेहनत करके प्रैक्टिस करके ग्राउंड पर सुबह 5 बजे से जाकर इस पुलिस भर्ती में पुलिस बनने के सपने को साकार करने के लिए अपनी तैयारी की है, लेकिन जिस तरह से सर्वर डाउन रह रहा है और उनको फॉर्म भरने में बहुत दिक्कतें जा रही है, रात के 2 बज जा रहे हैं, अब 2 बजे रात को किसी का युवती का फॉर्म भरा जा रहा है, ऐसी जानकारी भी हमें मिल रही है,
जिसकी वजह से आज काफी आक्रोश युवतियों में देखने को मिला है। खास तौर से उनका कहना यह है कि भेदभाव की प्रक्रिया महिलाओं और पुरुष के बीच राज्य सरकार कर रही है, क्योंकि एक तरफ तो कहा जाता है कि महिलाओं को समानता का अधिकार दिया जा रहा है, लेकिन इसमें पुरुषों को 4 फॉर्म भरने की परमिशन है और महिलाओं को सिर्फ 1 फॉर्म भरने की पुलिस सिपाही की, जबकि पुरुषों के लिए ड्राइवर की पोस्ट भी है, जीआरपी की पोस्ट भी और एसआरपी की पोस्ट के लिए भी वो फॉर्म आवेदन भर सकते हैं। तो युवतियों का यही कहना आ रहा है कि हमें भी इन 4 फॉर्म को भरने की इजाजत दी जाए, 4 में हमारे को समान हिस्सादारी मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर फॉर्म वो सबमिट नहीं होता है तो इनका साफ तौर पर कहना है कि हम आज अगर हमारे सपने साकार नहीं होते और हमारा फ्यूचर कोलैप्स होता है तो हम सीधा सीधा आत्महत्या भी कर सकते हैं, ऐसी चेतावनी ऐसी धमकी भी वो दे रहे हैं। तो इसको केंद्र राज्य सरकार ने गंभीरता से लेना चाहिए, ऐसे इनकी मांग है, जिसको लेकर उनको फॉर्म भरने की प्रक्रिया में या तो डेट को आगे बढ़ाया जाए या इसको ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ ले जाया जाए ताकि वो जल्द से जल्द अपने फॉर्म भर सके। जी बिल्कुल, तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि युवतियों ने मेहनत तो बहुत की है और जैसा कि आपने बताया कि लगातार जो है सुबह 5 बजे उठकर प्रैक्टिस करना और ये सारी चीजें जो है, ऐसा जब कुछ होता है तो बड़े सवाल खड़े करती है प्रशासन की, और प्रशासन का क्या रवैया है, क्योंकि बड़ी बात युवतियों ने करी है, आत्महत्या करने तक की बात कह दी है, तो ऐसे में प्रशासन का क्या रवैया है इस मुद्दे को लेकर? अभी तो फिलहाल हमारी प्रशासन से संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन जरूर इस खबर के बाद हम प्रशासन से भी सवाल करेंगे और प्रशासन इससे अपना क्या इस भूमिका निभाती देती है, क्या जवाब देती है, उस बात को भी हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे, क्योंकि वो ये देश के भविष्य का सवाल है, युवतियों के भविष्य का सवाल है, राज्य के भविष्य का सवाल है, इन बच्चियों ने जिन्होंने मेहनत की है इनके भविष्य का कुछ सपनों को साकार करने का सवाल है, तो इस सपने को कोलैप्स होते हुए नहीं देखा जा सकता। इस पे राज्य सरकार को गंभीरता से दखल देने की जरूरत ही रहेगी और देखना यह होगा कि क्या राज्य सरकार और प्रशासन इस मामले में कौन सा रवैया अपनाता है, किस तरह से इसमें गंभीरता दिखाते हुए आगे क्या रणनीति क्या कदम उठाता है, ये देखना एक बहुत बड़ा सवाल होगा। देखना यही खास होगा कि प्रशासन अब इनके लिए क्या एक्शन लेते हैं, क्या कदम उठाते हैं, और आप बने रहिए हमारे साथ, आगे जो भी अपडेट आएगा आप हमें साझा जरूर करिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।